जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की गई है। दिनांक 18 अगस्त 2022 को गोलीडीह ओपी क्षेत्रांतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के एक शाखा में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। उससे पहले 14 फरवरी 2022 को बिष्टुपुर थाना अंतर्गत एक ज्वेलर्स से लगभग 32 लाख रुपए की लूट हुई थी। उसमें भी पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी उस घटना का उद्भेदन करने का। और ये जब बैंक डकैती की घटना हुई थी उसमें हम सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उसमें बहुत सारे थाना प्रभारी, बहुत सारे हमारे पुलिस पदाधिकारी शामिल थे, बहुत सारे उसमें 2-3 डीएसपी भी शामिल थे। टीम के द्वारा लगातार काम करते हुए इसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। उक्त दोनों घटना में बिहार के गया, पटना, समस्तीपुर के लड़के लोग जो मिल करके बैंक डकैती करना, ज्वेलर्स को दुकान में लूटपाट करना, पैसे बहुत मोटे रकम पैसे का अगर कहीं आवाजाही हो रहा है उसको लूट लेना, बैंक के कैश वाहन को भी लूट लेना, ऐसा एक गिरोह है, उस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बैंक डकैती वाले घटना में कुल 7 लोग शामिल थे जिसमें से 5 ऑन द स्पॉट थे, 1 कॉन्स्पिरेटर है जो जेल में बंद है, पटना बेउर जेल में बंद है, और 1 आदमी और जिनकी भूमिका थी लॉजिस्टिक्स अरेंज करने में, वो गया का लड़का है। इस 7 में से 1 ऑलरेडी पटना जेल में बंद है। 3 लोगों को हम लोग अभी तक गिरफ्तार किए हैं और 3 अभी भी फरार है। वो बेसिकली आउट ऑफ कंट्री है, इसीलिए हम लोग अभी बहुत ज़्यादा उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट सभी हमारे रडार पे है। गिरोह के जितने सदस्य हैं सब लोगों की पहचान हो गई है, सब लोगों का सत्यापन हो चुका है, सब लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया वाले डकैती में लगभग 35.5 लाख रुपये की वहाँ से लूट के ले गया गया था, और उसमें जो बैंक का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से लगभग 2 किलो सोना और सोने का ज्वेलरी भी गायब है। इसके रिकवरी का भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, बट जैसा मैंने अभी बताया ये जो लूटा हुआ सामान है वो मुख्य 2 आदमी लेकर के आउट ऑफ इंडिया है। लगातार हमारी टीम नज़र बनाई हुई है और बहुत जल्द ही उन लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे और सामान बरामद करेंगे। बैंक वाली घटना में जो मोडस ऑपरेंडी हुआ है, ये लोग पटना से एक कंटेनर में आए थे, जो बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें सामान ढुलाई का काम होता है, वो कंटेनर में आए थे, चांडिल के आगे कहीं होटल के सामने लोग रुके थे, और वहीं से 2 बाइक है जिसका नंबर और अभी चेचिस नंबर इतना घिसा हुआ है कि सत्यापन नहीं हो रहा है, बट वो चोरी का बाइक है। वहाँ से क्रिमिनल्स आए, बैंक खुलते ही बैंक में घुसे, घटना को अंजाम दिया, और वहाँ से पुनः फिर कंटेनर के पास चले गए और बाइक को छोड़ करके, और कंटेनर से ही यहाँ से वो लोग कलकत्ता भागे थे, और कलकत्ता में ही छोड़ करके और कंटेनर से ही यहाँ से वो लोग कलकत्ता भागे थे, और कलकत्ता में ही एक डिलेपिडेटेड जगह, एक ऐसे सुनसान जगह पे कंटेनर को छोड़ के वहाँ से फिर अलग अलग लोग समस्तीपुर, गया और पटना गए थे। हमारी पूरी टीम लगातार मेहनत करके इसमें बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज हम लोग निकाले हैं, और A to Z आदमी का सत्यापन हो चुका है। आज के डेट में कंटेनर को हम लोगों ने बरामद कर लिया है। घटना में इस्तेमाल किया गया 2 बाइक है वो भी बरामद है। जो एक कंटेनर का ड्राइवर है जिसको 20,000 रुपया दिया गया था इस काम के लिए, उसमें से 6,000 रुपया बरामद किया गया है। अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी जमशेदपुर पुलिस के द्वारा हो चुकी है। एक जो धनबाद में एक गिरोह जो भी लूटपाट करते हुए पुलिस के साथ उसमें मुठभेड़ भी हुई थी, उसमें जो एक आदमी गिरफ्तार है उसका भी इस घटने के बारे में उसको जानकारी थी, हालांकि वो डायरेक्ट इस घटना में शामिल नहीं है, बट वो भी इसी गिरोह का सदस्य है। उसको भी हम लोग रिमांड करेंगे। जो पटना जेल में इस गिरोह का मुख्य सरगना बंद है उसको भी हम लोग रिमांड करेंगे, और 3 लोग जो अभी बचे हुए हैं गिरफ्तारी करना, उसको बहुत जल्द हम लोग गिरफ्तार करेंगे और सभी सामानों की रिकवरी भी की जाएगी। थैंक यू। इस बैंक का लोकेशन कैसे मिला था? 1x1 लोकेशन कैसे मिला था यहाँ का? ये लोग जैसा मैंने पहले बताया कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, इनका काम ही है मुख्य रूप से बैंक का लूट करना या ज्वेलर्स के दुकान में काफ़ी मोटा पैसा होता है वहाँ का लूट करना। ये लोग पहले यहाँ आ करके रेकी करके गए थे, और इनको लग रहा था कि ये मुख्य सड़क पर है और यहाँ से भागने में भी काफ़ी आसानी होगी। इन लोगों का मोडस ऐसा रहता है कि कभी भी शहर के वैसे इलाका में नहीं जाएं जो अगर पुलिस को सूचना मिले और तुरंत शहर सील हो जाए तो पकड़ा जाए, इसीलिए इन्होंने इस रोड को चुना था कि यहाँ से विदिन 2 मिनट्स NH पे निकलेंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। ये पता है सभी बैंक के, उनसे भी मेरी बात हुई है, उनके साथ एक बैठक भी हुई है, तो हमने अभी सभी बैंक को निर्देश दिया है कि ये अलार्म सिस्टम इमीडिएट चालू कराया जाए, और जो बैंक में अभी अलार्म सिस्टम है उसका भी बटन एक ही जगह रहता है, तो अगर उस जगह पर कोई आदमी नहीं पहुंच पाए तो वो अलार्म बजना मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने उनको बताया है कि पूरे ब्रांच में कम से कम 2-3 ऐसे जगह पर अलार्म का बटन लगी है जहाँ कोई ना कोई किसी जगह से अलार्म को सेट ऑफ कर दे। सर,
सामने रात में गाड़ी लगाई गई थी, कंटेनर वहीं पर थी, और वहां से जो दो बाइक से पांच आदमी आए थे स्पॉट पे, वो दोनों बाइक कहां का है, कहां से चोरी हुआ है, उसका सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि उसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर दोनों कम्प्लीटली घिस दिया गया है, तो संभवतः वो चोरी का ही बाइक है। और वहां से बाइक से आ करके घटना को अंजाम दे करके पुनः बाइक से कंटेनर के पास जाया गया और बाइक को अलग छोड़ करके कंटेनर से लोग पकड़ा हुआ। कंटेनर आया था यहां जमशेदपुर येलो फैमिली में? नहीं नहीं, कंटेनर जमशेदपुर आया था। जमशेदपुर में कहां पर लगाया था जी? जमशेदपुर डिमना चौक और चांदिल के बीच में होटल के सामने लगा हुआ था कंटेनर। सर इससे पहले लोग